नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरों को लेकर। आखिर सीबीएसई 12वीं के एग्जाम को लेकर क्या कुछ खबर है हमारे पास आपके लिए, जो आपके लिए जाननी जरूरी है। इन तमाम बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे। दरअसल 12वीं के एग्जाम को लेकर एक समिति गठित की गई है, जो एग्जाम रद्द होने के बाद मूल्यांकन करेगी या मार्किंग क्राइटेरिया डिसाइड करेगी। आखिर खबर में क्या कुछ लेकर हम आए हैं, इससे आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल 12वीं के स्टूडेंट्स के मूल्यांकन का मानदंड तय करने के लिए एक 12 सदस्यीय समिति गठित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों के परिणाम जारी करने की तैयारियां अब तेज कर दी गई। बीते दिनों कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा रद्द किए जाने के बाद सीबीएसई ने 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के मूल्यांकन का मानदंड तैयार करने के लिए एक 12 सदस्यीय उच्चाधिकार समिति की गठना की है या एक समिति गठित की है। दरअसल शिक्षा मंत्रालय से लेकर यूजीसी व स्कूल को इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया है। आखिर क्या है खबर में, क्या खास है आपके लिए, इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। सीबीएसई ने 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के मूल्यांकन का मानदंड तैयार करने के गठित उच्चाधिकार समिति में किस किस को रखा है। दरअसल इसमें शिक्षा मंत्रालय से लेकर राज्यों, यूजीसी और स्कूलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत 12 सदस्यीय समिति में शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा के संयुक्त सचिव विपिन कुमार, शिक्षा निदेशक दिल्ली उदित प्रकाश, केंद्रीय विद्यालय संगठन की आयुक्त निधि पांडे, नवोदय विद्यालय के आयुक्त विनायक गर्ग, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के निदेशक रुविंदरजीत सिंह बरार, दो स्कूलों के प्रतिनिधि, एनसीईआरटी के प्रतिनिधि के साथ ही शिक्षा मंत्रालय व सीबीएसई के अधिकारियों को शामिल किया गया है। दोस्तों, शिक्षा से जुड़ी खबर हम रोज आपको देते रहते हैं, अपडेट रोज आपको देते रहते हैं, ताकि आपको पता चले कि 12वीं एग्जाम से रिलेटेड क्या कुछ जानकारी हम आपको मुहैया करा रहे हैं और आप उन जानकारियों से अवगत होते हैं। हमारी कोशिश है कि हम रोज आपको एक नई जानकारी से अवगत कराएं, आपकी चिंताएं दूर करने की कोशिश करें। तो इसी तरह की शिक्षा जगत से आगे की जानकारी के लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी जानकारी हम अपलोड करें वो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस जानकारी से रूबरू हो सकें। शिक्षा जगत में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।